है आज लिपस्टिक इनको भी दिखा दूँ सर। हमारा लिपस्टिक कैसा लगा आ? और बच्चे हंस हंस कर लोट पोट यहाँ पर सर इतना हंस रहे हैं इतना हंस रहे हैं। कैसा लगा चंदन? नहीं अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो भैया दीदी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो आप सब लास्ट तक वीडियो देखना। आज वीडियो सबसे अलग, सबसे हट के अभी वीडियो बनाई हूँ, तो आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा दोस्तों। और ये वीडियो आप सबको हंसने के लिए बनाई हूँ, कोई किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है दोस्तों किसी के दिल का। कमेंट तो आता जाता रहता है, कह देते हैं कोई बात नहीं है, फिर भी कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बना दी हूँ और आप सबको भी चेहरों पे हंसी आएगा, है ना अंजलि? जो कमेंट करती हैं उन दीदी को तहे दिल से धन्यवाद, खुश रहें हमेशा। और मैं उन्हीं के टॉपिक पे वीडियो बना दी हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हम सब बैठ गए हैं, तो दोस्तों थोड़ा कमेंट है आज, आप सब फिर बोलो कि आप सब बोलना नहीं चाहिए था संगीता, और थंबनेल में आज इस तरह मैं लगा दी हूँ, तो सच है बात है दोस्तों। और दो तीन टॉपिक पे ज्यादा आ जाता है कमेंट दोस्तों, एक बच्चों पर और एक मेरे लिपस्टिक पर। ये देखिए, तो ये देखिए क्या बताएं, हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं और बोलना भी, पहले भी दोस्तों पहले बोलते थे मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया, लिपस्टिक पैसा नहीं है, लिपस्टिक कहाँ से आता है, लिपस्टिक कितने का था? आपको एक महीना पहले 100 रुपये का लिपस्टिक दिखाई थी, तो ये लिपस्टिक कितना है? अभी इतना भरा हुआ है कि अभी 3 महीने तक और लगाएंगे। बच्चों को पढ़ाई पे नहीं भेजती हो पढ़ने, तो ऐसा होता है दोस्तों सुबह बच्चे घर से निकलते हैं पढ़ने जाते हैं, और जब 3 बजे घर पे आ जाते हैं तो मैं वीडियो का शुरुआत और वीडियो का अंत आप देखते होंगे, नोटिस करना, जहाँ पर मैं वीडियो बैठ कर शुरू करती हूँ वहीं जगह पे वीडियो ख़त्म भी कर देते हैं। कभी कभी यहाँ खड़े होकर बोल दिए और ख़त्म, उस जगह पे चली गई करने, तो ऐसा होता है। तो मैं एक साथ ही वो वीडियो बनाती हूँ, बच्चे बराबर स्कूल जाते हैं, तो अगर विश्वास नहीं तो मैं बच्चों से ही पूछ लेती हूँ, कहाँ पढ़ने हर दिन जाते हो गुंजन? आज संडे है इसीलिए नहीं गए हैं दोस्तों। इतना हम भी वो नहीं है कि मैं प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा कर और बच्चों को दिन भर में वीडियो में लगा दूंगी, ऐसा बात नहीं है। कभी कभी संडे का दिन रहता है तो पूरे वीडियो में बच्चे आ जाते हैं, नहीं तो मैं वीडियो सारा दिन बनाती ही नहीं। शाम को जब बच्चे आ जाते हैं बस वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा क्लिप जब काम करते हैं तो जोड़े रहते हैं और शुरुआत बच्चों के साथ कर देते हैं। दोस्तों आप सबको, अब जो काम वीडियो का नहीं करते होंगे उनको आप सबको उतना समझ में नहीं आएगा, हमको भी नहीं आता था, तो यही सब बात है दोस्तों। मैं कितना समझाने का कोशिश करूं, इतना समझदार तो खुद नहीं हूं, लेकिन बता रही हूं किस तरह मैं करती हूं। पहले वीडियो का शुरुआत भी वहीं कर लेती हूं, ख़त्म भी कर लेती हूं, और बीच में वीडियो क्लिप छोटा छोटा जोड़ के भेज देती हूँ, तो ऐसा वीडियो हमारा बनता है। सुबह बच्चे घर पर निकल जाते हैं पढ़ने, मैं वीडियो में बोलती हूँ कि बच्चे अभी नहीं हैं पढ़ने गए हैं, अक्सर हर वीडियो में बोलती हूँ। तो यार एक दिन और बनाई थी मैं लिपस्टिक का वीडियो, तो एक हमारी बहन लिखी थी संगीता जी इतना लिपस्टिक लगा लो कि और होठ लाल हो जाए और देखने वाले, और मतलब उन्हीं के कहने से बना था, हम भी कहेंगे तो आप सब बोलोगे संगीता क्या बोल रही हो। तो ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए दोस्तों, हर क्षेत्र में लेडीज रहती हैं, हाथ से हर क्षेत्र में लगाती हैं, ऐसा बात नहीं है, सभी लगाते हैं, तो आखिर में हमारा ही लिपस्टिक क्यों? अब तो दोस्तों आप सबके वजह से 2 पैसे मेरे घर में आने भी लगे हैं, तो लिपस्टिक तो मैं खुद 2-4 खरीद सकती हूँ महीने में, 2 ज़्यादा तो नहीं 2 लिपस्टिक खरीद सकती हूँ, तो इतना क्या मैं कर देती हूँ जो गलती, जो इतना हमारे लिपस्टिक पर सवाल उठ जाता है, क्या करूँ, लिपस्टिक लगाना छोड़ दूँ या क्रीम भी ना लगाऊं? अंजलि देखिए पीछे अपने मेकअप पे लगी हुई है, देख रही है, लगाना है अंजलि? एक दो नहीं दोस्तों, कम से कम 1000 लोग का कमेंट आ गया होगा मेरे लिपस्टिक के ऊपर। लिपस्टिक लगा चोरी क्या अंजलि? चोरी
क्या लिपस्टिक क्या लगाऊं? चौड़ी। तो अंजलि बोल रही है मम्मी चौड़ी लिपस्टिक लगाओ। चलते हैं लगाते हैं। तुम भी लगाओगी? तुम क्यों भी लगाओगी? और खुद मैं लिपस्टिक आज लगाने जा रही हूँ दोस्तों, आप सबको हंसाने के लिए लगा रहे हैं। और हमारी अंजलि भी बताई चौड़ी लिपस्टिक कैसे लगेगा अंजलि यहाँ से? अच्छा अच्छा। ये वाला लगाएं? ये वाला? ये वाला? अच्छा, आज अंजलि हमारी चौड़ी लिपस्टिक लगा रही है। आज अंजलि के कहने पर चौड़ी लिपस्टिक लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अच्छा लगा ये बंद। तो दोस्तों बच्चे हंस रहे हैं। तो ये देखिए हमारी लिपस्टिक आज इतना लगा, आज कमेंट देखे हैं कैसा आता है। ये लिपस्टिक तो अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे लिपस्टिक से लोग परेशान हैं। तो क्या करें, हम भी लिपस्टिक ऐसे लगाएंगे अब, है ना अंजलि? तो आप सबको बताना कैसा लगा। दोस्तों मैं शीशे में देख रही हूँ तो हमारा चेहरा मतलब देख लो किस ऐसे क्यों कर रही हो। तो दोस्तों पूरा बंदर का शक्ल बन गया होगा ये लिपस्टिक लगाकर। तो क्या कर रहे हैं, हम भी परेशान हैं और सोचते हैं, परेशान नहीं दोस्तों, हंसी आ रही थी और मैं सोच रही थी कि थोड़ा लिपस्टिक और लगाया जाए ताकि और हंसो आप सब। और बाकी जिनको अच्छा नहीं लगता है आज देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है लिपस्टिक लगाने से हमारे। तो अंजलि अच्छा लगा हमारा लिपस्टिक? सुंदर लगा? तुम्हें सीता अच्छा लगा? तो दोस्तों मैं आप सबको नजदीक दिखा देती हूँ, ये हमारा लिपस्टिक ऐसा लगा हुआ। चंदन लंबे से दिखा रहे थे, हम नजदीक से दिखा रहे हैं, बच्चे हमारे खूब हंस रहे हैं। और दोस्तों ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था, आप सबको हंसाना था बस और कुछ नहीं। और तो आप सबको भी हंसी लगा होगा ये हमारा लिपस्टिक देख कर, ये भयानक वाला पूरा बंदर की जैसा शक्ल बन गया हूँ। बंदर बन गई मैं, है ना अंजलि? क्या बन गई? बंदर बन गई। अनोखा मेकअप है। और दोस्तों हंसी आई ना सबको, तो गंजन और मम्मी यहाँ हंस रही है, देख लीजिए यहाँ बनी है हनुमान जी। अम्मा अच्छा लग रही हूँ, ये ठीक लगा था जब कहा था, वरना तो कम से कम ही भूख लागे तो। तो दोस्तों मैं आज लिपस्टिक इनको भी दिखा दूँ। हमारा लिपस्टिक कैसा लगा? हमको डांट रहे हैं दोस्तों बस यही तक, और बच्चे हंस हंस कर लोट पोट। इतना हंस रहे हैं, इतना हंस रहे हैं, बस वीडियो यही तक अब जा रही हूँ साफ करने। आज हम लिपस्टिक लगाए हैं कुछ अजीब तरह से। तो चंदन यहाँ वीडियो बना रहे थे दोस्तों, ये भी मना करते हैं मम्मी मत लगाया करो। देखिए आज इनके कैसा लगा चंदन? नहीं अच्छा लगा। आज ये रिएक्शन देख लीजिए चंदन का। तो दोस्तों कभी कभी हंसने का बहाना भी ढूंढ लेना चाहिए, और कोई गलत बोलता है तो उनके बातों का हमेशा निगेटिव ही नहीं सोचना चाहिए, मैं ये समझती हूँ। और उनके बातों में खुश रहना सोचना चाहिए, बस मेरा मतलब यही। तो दोस्तों यहाँ बेथुआ ले आए हैं और यहाँ रख रहे हैं, विचार रहे हैं। आजकल हमारे घर बथुआ का साग बन रहा है बराबर, और इसका पकौड़ी भी बहुत अच्छा बनता है बथुआ का। तो यहाँ मैं रख रही हूँ धुलने के लिए, तो अभी धुल लेते हैं और आज बनेगा यही बथुआ। तो बहुत ताज़ा हरा ये एकदम ये रहता है और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अभी हाल में एक दो
हफ्ते तक बेथुआ बहुत अच्छा लगेगा, बाद में पानी पा जाएगा तो नहीं अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मैं बार बार बोल रही हूँ यही, आप सब नाराज ना होना ये वीडियो देखकर। तो सबको ये वीडियो अच्छा लगा बनाते हुए बता दो। अच्छा अच्छा लगा। तो दोस्तों देखते हैं आप सबका आज कमेंट पढ़ेंगे, आप सबका वीडियो ये देखकर हंसी लगेगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा ये तो बस आप सबके ऊपर है दोस्तों। और बस वीडियो हंसाने का मकसद था। अगर वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना, मम्मी को माफ करो। अंजलि भी हमारे तरफ से बोल रही है, तो गुंजन शीतल नहीं बोली कुछ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कभी कभी तो